आज की जो वीडियो होने वाली है ना वो मोस्ट डिमांडेबल वीडियो होने वाली है। लिटरली आज की वीडियो को देखने बाद तुमको 100 वीडियो YouTube पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। किसी भी Redmi डिवाइस का लैग जो होगा इस वीडियो को देखने के बाद 110% फिक्स हो जाएगा। और अगर नहीं फिक्स होता है ना तुम चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो भाई, इतना चैलेंज दे सकता हूं मैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना और 100% तुम्हारा लैग फिक्स हो जाएगा। बस एक ही शर्त है कि तुम वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। और भाई अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमने अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्या कर रहे हो, और एक वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो तुमको गाइस यहां पे अपने फोन के अंदर चले आना है और फोन के अंदर आने के बाद सीधा गेम टर्बो के सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। गेम टर्बो सारे ही रेडमी के फोन में होता है, उसके सेटिंग में चले जाना है। और फर्स्ट वाले ऑप्शन में तुमको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ जैसे है वैसे रहने देना है। सेकंड ऑप्शन होगा परफॉर्मेंस मोड, उस पर क्लिक करना है और परफॉर्मेंस मोड पे यहाँ तीनों ऑप्शन पे यहाँ पे इनेबल रख देना है, ठीक है। तीनों ऑप्शन को तुमको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। बेसिकली जो बीच वाला है ना वो एकदम इंपॉर्टेंट इनेबल करना है, ठीक है। और उसके बाद भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन जो है ना इसको एकदम से डिसेबल रखना है, इसको गलती से भी इनेबल मत कर देना। इसको इनेबल करोगे तुम्हारे लैग बीप साउंड एंड जितने भी प्रॉब्लम होता है ना भाई इसी के वजह से होता है, तो उसको डिसेबल कर लेना। और मेमोरी एक्सेप्टेशन में BGMI को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है तुमको, और BGMI के अलावा किसी भी ऐप को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। अगर तुम BGMI खेलते हो, PUBG खेलते हो, PUBG को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद गेम DND का ऑप्शन आता है। गेम DND के अंदर यहाँ तुम्हारा मर्जी है तुम किसको सेलेक्ट करो किसको नहीं सेलेक्ट करो। हालांकि मैं ऊपर से तीन को करता हूं और नीचे वाले को नहीं करता हूं, जस्ट बिकॉज कि मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करना रहता है बार बार इसलिए। और गाइस यहां पे भाई रिस्ट्रिक्ट गेस्चर वाला जो ऑप्शन है ना, रिस्ट्रिक्ट स्क्रीनशॉट गेस्चर, इसको इनेबल ध्यान से कर देना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पे रिस्ट्रिक्ट बटन एंड जेस्चर जो है इसको एकदम 100% तुमको यहां पे इनेबल रखना है, ठीक है, जिससे तुम्हारा स्क्रीन जो होगा बार बार जेस्चर मोड में जाएगा और गेम काफी अच्छे से चलेगा। उसके बाद गाइस यहां पे एडिशनल सेटिंग के अंदर टच रिस्पॉन्स को फुल करना है, सेंसिटिविटी टू कंटिन्यू को फुल करना है और टच रेजिस्टेंस एरिया को यहां पे नन कर देना है। तुम्हारा गेम टर्बो का सेटिंग यहाँ पे डन हो चुका है। और अब गया जाता है मेन सेटिंग जो कि आता है यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, तो भाई इसको ध्यान से देख लेना। और इसको किए बिना तुम गेम खेलने जाओगे ना तुम्हारा लैग कभी फिक्स नहीं होगा। कोई भी रेडमी का डिवाइस इसके बिना रेडमी कभी भी लैग फ्री नहीं चल सकता है। तो भाई ये मेरा खुद का सीक्रेट सेटिंग है, तो इसको जाने से पहले सही बोल रहा हूँ, अगर लाइक नहीं किया ना भाई तुमको श्राप चढ़ेगा भाई, कर दो लाइक पट से और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं गाइस इसके तरफ। तो गाइस सबसे पहले तुमको आ जाना अपने सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर आ जाने के बाद सिंपली तुमको ऑल MIUI वर्जन पे क्लिक करना है। और MIUI वर्जन पे क्लिक करने के बाद तुम पांच बार जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तुम्हारे यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन खुलने के बाद तुमको ऑल स्पीसीज पे क्लिक करना है। कैनल वर्जन का तुमको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कैनल वर्जन पे भी तुमको पांच बार क्लिक करना है और यहाँ पे FQC टेस्ट या फिर CIT टेस्ट करके खुल जाएगा तुम्हारा। 25 नंबर पे यहाँ पे जायरोस्कोप दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। और कैलिब्रेट वाले बटन पे भाई तुमको तीन बार क्लिक करना है फोन को बिस्तर पे रख के, ठीक है, फोन को हाथ में लेकर नहीं, बिस्तर पे यहाँ पे कोई प्लेन सरफेस पे रख के। उसके बाद ओके करोगे, एक्सेलेरोमीटर खुलेगा, उसको भी तीन बार कैलिब्रेट करना और बैक चले आना है। अब नीचे जाकर देखना है जायरो पास होना चाहिए, अगर पास है तो ठीक है, अगर फेल है तो तुरंत कस्टमर केयर में जाओ, तुम्हारे फोन के अंदर प्रॉब्लम है। और यहाँ से पास हो गया, अब तुमको बैक चले आना है, बैक चले आना है। और भाई यहाँ पे सिंपली तुमको एडिशनल सेटिंग के अंदर चले आना है, सेटिंग्स के अंदर। और भाई यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में मेमोरी एक्सटेंशन के अंदर जाना, और अगर तुमने अपडेट कर रखा है फोन को तो भाई 1GB रैम मिलेगा, और नहीं कर रखा है तो मतलब 3GB रैम मिलेगा, आई मीन अपडेट कर रखा है तो 3GB रैम मिलेगा और नहीं कर रखा है तो 1GB रैम मिलेगा। भाई इसका रीजन ये है कि मैं MIUI 12.5 पे हूं, क्योंकि भाई इस वाले अपडेट के अंदर मेरा जो फोन है काफी ज्यादा अच्छा चलता है, तो मैं अपडेट नहीं करता, और करता भी होगा कभी रिव्यू के लिए तो मैं अगेन डाउनग्रेड कर लेता हूं। तो गाइस अगर मेरा रिकमेंडेशन तुम पूछोगे तुमको अगर लैग फ्री अपना फोन को चलाना है, तो अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी हो, ठीक है, कैपेबिलिटी हो तो तुम भाई फोन को डाउनग्रेड करवा लो अपने बेस वर्जन पे, यानी कि जिस वर्जन में फोन आया था। अगर नहीं भी करवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेटिंग को देखने वाला तुम्हारा 100% लैग फिक्स हो जाएगा, डोंट वरी। बट अगर एकदम मैक्स परफॉर्मेंस है तो भाई तुम डाउनग्रेड करवा लोगे तो ज्यादा बेटर रहने वाला है, ठीक है। अब चल लेते गाइस, यहां पे मैंने वर्जन दिखा दिया तुमको अपना Redmi Note 10S का है ये फिलहाल, और बाकी तुम अपने फोन का अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद भाई सिंपली अब तुमको अगेन से सेटिंग में नीचे स्क्रॉल करना है, एडिशनल सेटिंग में जाना है और डेवलपर ऑप्शन के अंदर चले जाना है। डेवलपर ऑप्शन यहां इनेबल कर लेना, और डेवलपर ऑप्शन के बाद भाई यहां पे सबसे नीचे तुमको एक देखने को मिलेगा ऑप्शन ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंसेस का, तुमको इसको ढूंढ लेना, देख सकते हो मेरा आ चुका है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे BGMI को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, BGMI सिलेक्ट हो जाएगा। अब वह सिंपली तुमको बैक आ जाना, और सिस्टम ट्रेसिंग भाई ये है सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम ट्रेसिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैटेगरीज को जैसे है डिफॉल्ट वैसे ही रहने देना, कोई भी छेड़छाड़ यहाँ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पर CPU बफर साइज जो है ना भाई इसको 16,000 पे होगा तुम्हारा, 32,000 पे करना है। और अगर तुम फोन के हीट को बर्दाश्त कर सकते हो, AC या कूलर के बीच में खेलते हो तो 65,000 पे कर लेना।
कोई भी लैग और कोई भी डीले देखने को नहीं मिलेगा, फोन एकदम मक्खन चलेगा। लेकिन भाई 65,000 पे फोन हीट बहुत करता है। तो भाई अगर मेरा रिकमेंडेशन मांगा तो मैं 32,000 पे रखता हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ साथ साथ, मेरे पास एसी वैसी है नहीं। तो मैं यहाँ पे 32,000 पे रखता हूँ, तुमको भी रिकमेंड करूंगा 32,000 पे रखना, 65 पे मत रखना। अब सिंपली तुमको बैक चले जाना, बैक आने के बाद तुमको सबसे नीचे चले जाना है इसी सेटिंग में। और सबसे नीचे जाने के बाद गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है डोंट कीप एक्टिविटीज, उसको ढूंढ लेना है। डोंट कीप एक्टिविटीज यहाँ से इनेबल कर लेना है, मैं नहीं करूंगा वरना मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। और तुमको यहाँ इनेबल इसको करके बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को यहाँ पे एटमोस्ट 2 प्रोसेसर्स पर रखना है, ठीक है। एटमोस्ट 2 प्रोसेसर्स इंपॉर्टेंट रखना, 1 पे मत रख लेना, कॉल आएगा तो तुम्हारा गेम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ एटमोस्ट 2 प्रोसेसर रखना है। और बस इसके बाद तुम्हारा सारे जितने भी रेडमी के फोन है सबका इतना ही सेटिंग करने का, तुम्हारा लैग जो होगा 110% फिक्स हो जाएगा। अगर तुमको वीडियो समझ में आई है तो ठीक है, वरना भाई एक बार तुम जब सेटिंग कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को खोल के पॉज कर करके देख लेना। अगर मैं इसको धीरे धीरे बताता तो भाई वीडियो 10 मिनट 12 मिनट की हो जाती, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए मैंने इसको फटफट बता दिया। अगर तुमको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके कर देना। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, सेयोनारा।